राजस्थान में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है वो चिंता कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो लोकल लीडरशिप है उनके कैंपेन में दम नहीं आ रहा, और दिल्ली के नेता आ रहे हैं, सब मंत्री संतरी प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, फिर भी जनता का जो रिस्पॉन्स है वो मिल नहीं रहा। और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि पब्लिक पर मुझे भरोसा है और इस बार दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी राजस्थान में। भाई चुनाव प्रचार आगे बढ़ गया है और बहुत कम समय बचा है, तो हम सभी लोग हमारे क्षेत्रों में जा रहे हैं। कल राहुल जी ने 3 सभाएं करी थी हनुमानगढ़ में, गंगानगर में, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। आज मैं मेरे क्षेत्र में हूँ टोंक में, और यहाँ तमाम गांव में लोगों से मिल रहे हैं, और कांग्रेस के प्रति सब लोगों की बहुत अच्छी मानसिकता बन रही है। मुझे लग रहा है कि जितना हमें समर्थन पहले मिला उससे ज़्यादा इन चुनाव में मिल रहा है। कार्यकर्ता सक्रिय हैं और ख़ासकर नौजवान समझ रहे हैं किस दिशा में हमको जाना है, कहाँ हमारा विकास होगा और कौन सबको साथ लेकर चलते हैं। वो अच्छी विचारधारा को चुनेंगे, अच्छे नेताओं को चुनेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। प्रियंका जी के दौरे लग रहे हैं, खड़गे जी के कल से दौरे चल रहे हैं, तो सब नेता राजस्थान में आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है वो चिंता कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो लोकल लीडरशिप है उनके कैंपेन में दम नहीं आ रहा, और दिल्ली के नेता आ रहे हैं, सब मंत्री संतरी प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, फिर भी जनता का जो रिस्पॉन्स है वो मिल नहीं रहा। और मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि पब्लिक पर मुझे भरोसा है और इस बार दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी राजस्थान में। नहीं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, वो तो आके यहाँ प्रचार और कर रहे हैं, लेकिन कमान तो वो नहीं संभालेंगे ना। तो वहाँ पर जो बीजेपी में 10 साल का मौका दिया जनता ने, तब उन्होंने क्या किया पहले उसका जवाब देना चाहिए। अब आगे आप वादे कर रहे हो ये जान करके हम कभी सरकार में आएंगे नहीं, तो बोल सकते हो हम लोगों ने जो काम किया है उसके आधार पर भविष्य का आश्वासन दे रहे हैं। भाई हर नेता को छूट है प्रचार करने की। अब हम बाकी राज्यों में जाते हैं तो बाकी राज्य के नेता यहाँ पे आएंगे, उनका स्वागत है, बल्कि मैं तो कहता हूँ सबको अपनी बात रखनी चाहिए, अच्छे माहौल में रखनी चाहिए। जीत और हार जनता तय करेगी, लेकिन जो भी नेता हैं वो अपनी पार्टी की बात करें, विचारधारा की बात करें, समाज को तोड़ने की नफरत और टकराव की बात ना करें, विकास की बात करें, चर्चा जनता के मुद्दों पर करें तो बेहतर होगा। लोकतंत्र में ये बहुत ज़रूरी है कि अच्छा माहौल बना रहे, प्यार प्रेम से सारे चुनाव सम्पन्न हों। निर्वाचन आयोग पूरा सख्त कार्रवाई करेगा, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होना चाहिए। लोकतंत्र हमारे देश में एक पर्व की तरह होता है, सबको अधिकार है वोट डालने का, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो। हार जीत जनता तय करती है, हिंसा की कोई जगह नहीं है, और मुझे लगता है हर व्यक्ति को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ राजस्थान में बहुत अच्छे माहौल में चुनाव सम्पन्न होंगे। अब ये देखो, ये जो भाजपा के हमारे कुछ साथी हैं, इनको इनसे पूछो कि भाई आपने 3 काले कानून किसानों के क्यों बनाए, जो बच्चियां हमारी कुश्ती करती थीं उनके ऊपर जो आरोप लगे, दिल्ली में धरना क्यों दिया, किसान क्यों परेशान है, महंगाई क्यों बढ़ गई, गैस सिलेंडर 1200 का क्यों मिल रहा है, 10 साल से आपने ना तो 2 करोड़ रोज़गार दिए, ना किसान की आमदनी दुगनी करी, ना विदेश का कालाधन लेकर आए, और पेट्रोल डीजल 100 रुपये का हो गया, इस पर कोई जवाब मिलेगा नहीं। ये तो लोगों को विभाजित करने की जो मानसिकता है उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। पब्लिक समझदार है, इन बातों में फंसने वाली नहीं है, और कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन यहाँ पर जो है पड़ला कांग्रेस का भारी रहेगा। 25 तारीख को वोट पड़ेगा और आपके बीच में आपका समर्थन वोट मांगने के लिए हम लोग आए हैं। काम आपके सामने है 5 साल के, और अगले 5 साल के लिए आप लोग आशीर्वाद तो हमेशा दिया है। 25 तारीख को पहले से ज़्यादा बहुमत देके आप जिताकर भेजो, हाथ का निशान है बटन दबाकर बहुमत दें। पक्ष में है पूरा माहौल, कांग्रेस के पक्ष में चल रहा है, लेकिन आपके गांव से पंचायत से अपन बहुमत लेकर निकल कर जाएंगे, हमारे तो हाथों को ताकत मिलेगी। आपने हमेशा अपना स्नेह दिया है, बचा रखना, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर।